हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, अ जिम्नोस्पर्मिक लीफ कैरीज 16 क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इट्स एंडोस्पर्म विल बी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जिम्नोस्पर्म का जो लीफ है उसमें यहाँ पे 16 क्रोमोसोम्स हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके एंडोस्पर्म में कितने होंगे। ऑप्शन ए इज 12, ऑप्शन बी इज 8, ऑप्शन सी इज 16 एंड ऑप्शन डी इज 24। तो यहाँ पे अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म की लीफ की बात करें, तो यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म होता है उसका जो लीफ होता है, जिम्नोस्पर्म का जो लीफ होता है वो यहाँ पे डिप्लॉयड होता है। इट इज डिप्लॉयड क्योंकि यहाँ पे ये स्पोरोफिटिक होता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म, तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो यहाँ पे हैप्लॉयड होता है, क्योंकि ये गैमेटोफिटिक टिश्यू होता है, ये यहाँ पे हैप्लॉयड होता है। एंडोस्पर्म जो होता है वो यहाँ पे डायरेक्ट इट फॉर्म्स डायरेक्टली फ्रॉम, यहाँ पे ये डायरेक्टली डेवलप करता है डायरेक्टली फ्रॉम हैप्लॉयड, फ्रॉम हैप्लॉयड मेगास्पोर। तो यहाँ पे जो हैप्लॉयड मेगास्पोर है उससे डायरेक्टली यहाँ पे जो है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसलिए यहाँ पे जो एंडोस्पर्म होता है वो यहाँ पे बिफोर फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे बिफोर फर्टिलाइजेशन वो डायरेक्ट हैप्लॉयड मेगास्पोर से फॉर्म कर जाता है। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म जो होता है वो हैप्लॉयड होता है। तो यहाँ पे हमें जो डिप्लॉयड है, जो यहाँ पे लीफ है विच इज डिप्लॉयड, तो उसमें हमें दे रखा है कि 2n = 16 क्रोमोजोम। तो यहाँ पे उसमें 16 क्रोमोजोम्स होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा एंडोस्पर्म जो है वो हैप्लॉयड है विच इज एन, तो यहाँ पे इसमें 8 क्रोमोजोम होंगे। तो यहाँ पे एन विल बी 8 क्रोमोजोम। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें, तो हमसे यही पूछा था कि एंडोस्पर्म में हमें यहाँ पे कितने क्रोमोजोम्स मिलेंगे। सो ऑप्शन बी में हमें दे रखा है 8, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।